पे ऑफ रोडिंग चल रहा है, तो ऑफ रोडिंग में यहाँ पे रोड बहुत खराब है, तो सस्पेंशन में वैसा आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और सस्पेंशन ज्यादा स्टिफ भी नहीं है, तो डेली यूज के लिए जो है वो सस्पेंशन काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के कमेंट्स में आपने बोला था कि आपको इस बाइक का टेस्ट राइड चाहिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पल्सर 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट का ट्रायल टेस्ट राइड, फर्स्ट टेस्ट राइड। तो चलिए आपको वीडियो आगे दिखाते हैं कि ये टेस्ट राइड कैसा रहता है इस बाइक का। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी डिटेल्स मिस ना हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए आगे आपको वीडियो दिखाते हैं। बोलना भूल गया था, सामने ले आइए। आप जब भी बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का यूज करें हमेशा, और हो सके तो ग्लव्स का भी यूज करें, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आगे का हम राइड दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम टेस्ट राइड स्टार्ट कर रहे हैं बाइक का। तो अभी हम सिटी राइडिंग आपको दिखाएंगे कि बाइक का सिटी राइडिंग में मतलब क्या इसका फील आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी पीछे भैया हमारे वो हेल्प कर रहे हैं कैमरा होल्ड करने में। तो चलिए अभी आपको हम आगे का टेस्ट राइड का वीडियो पूरा दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब डिटेल्स बाइक के बारे में पता चल जाए, तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आपको बाइक लेने में ईजी रहे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इसमें एक चीज आपको मिसिंग मिलेगा, वो होगा गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर ट्रिप मीटर में कंसोल में। तो इसमें आपको जो है वो गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता है। तो हम इसका आपको टर्निंग रेडियस दिखाते हैं कि टर्निंग रेडियस क्या है बाइक का। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं इजीली बाइक एकदम इजीली घूम चुका है, तो टर्निंग रेडियस काफी कम है। अगर आप इसे सिटी कम्यूट के लिए लेना चाह रहे हैं तो काफी अच्छा ये बाइक आपको रहेगा। और इंजन, अब बात करते हैं इंजन की, तो इंजन काफी रिफाइन है इसका, और जो गियर, जो इसका गियर बॉक्स है वो भी काफी रिफाइन है। तो गियर बॉक्स जो है इसका वो काफी रिफाइन है, बहुत इजीली इसका गियर अप शिफ्ट हो रहा है और डाउन शिफ्ट भी हो रहा है, और क्लच भी काफी लाइट है बाइक का। तो चलिए अब आगे हम इसका आपको सस्पेंशन के बारे में बताते हैं। तो इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, तो सस्पेंशन जो रहेगा वो बाइक का वो काफी अच्छा रहने वाला है बाइक का सस्पेंशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम इसका राइडिंग कर रहे हैं, तो अभी सस्पेंशन यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, बाइक अभी टेस्ट राइड के लिए लेके निकले थे तो जस्ट पहले बारिश स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए हम थोड़ा रुक गए थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि रोड पे चारों तरफ ही मतलब पूरा पानी फैला हुआ है। अब हम इसका ब्रेकिंग के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेकिंग इसका, तो ब्रेकिंग में इसमें पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक है, और इसमें सिंगल चैनल ABS भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जो इसका ABS है वो भी काफी अच्छा वर्क करता है, और ब्रेकिंग का बाइट भी काफी अच्छा है। और अब हम बात करते हैं इसके बारे में और आपको डिटेल्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइक चलाने में काफी इजी हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी हम सिटी में हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम सिटी राइडिंग कर रहे हैं बाइक का। तो पहले के कंपैरिजन में अगर बोला जाए, तो मैंने पहले भी पल्सर काफी राइड किया है और अभी मैं राइड कर रहा हूँ, तो बाइक जो है वो काफी लाइट लग रही है एज कम्पेयर टू पहले, और इंजन भी काफी रिफाइन लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो बाइक जो है वो आपको पहले से अच्छा देखने को मिल जाता है, और आपको इसका माइलेज भी पहले से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम ज्यादा इसे तेज चला नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम स्पीड कंडीशन में है, तो फिर भी मैं एक आपको ट्रायल देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइक का ब्रेकिंग बाइट भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, बाकी बात अगर देखा जाए तो बाइक आपका सिटी राइड के लिए भी अच्छा है और हाईवेज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बाइक का पिकअप भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, मीटर कंसोल में भी आपको काफी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसका स्पीड मीटर भी काफी अच्छा है, और पीछे से आपको इसमें ब्लू लाइट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको मीटर कंसोल देखने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अभी देख सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग देखने को लग रहा होगा, रोड जो है यहाँ पे खराब है। तो ऑफ रोडिंग में जैसे अभी हम चला रहे हैं, तो आपको इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है,
और रेयर में आपको इसमें जो है सो आपको नाइट्रोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, डुअल नाइट्रोक सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन है बाइक का वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम डबलिंग में हैं, हमारे पीछे एक और जन बैठे हुए हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं बाइक का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी निम्बल है और बाइक चलाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बजाज का जो इंजन होता है वो पहले से ही काफ़ी रिफाइन होता है, बट Bs6 आ जाने से और भी ज़्यादा बाइक रिफाइन हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। तो इसमें आपको डुअल चैनल, आपको इसमें डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं विद सिंगल चैनल ABS। तो ABS आपको इसमें सिंगल चैनल देखने को मिलता है, बट इसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो डुअल डिस्प्ले से आपका बेनिफिट ये होता है कि जो बाइक का जो ब्रेक का जो बाइट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। पहले के कंपैरिजन में अगर आप अभी देखते हैं तो बाइक का जो ब्रेकिंग है वो भी पहले से अच्छा हो चुका है, ABS भी इसमें आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग चल रहा है, तो ऑफ रोडिंग में यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, तो सस्पेंशन में वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। तो डेली यूज़ के लिए जो है वो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है और इंजन में आपका जो एक ग्रंट बोला जाता है वो ग्रंट भी काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो अब हम इसका बात करते हैं आपको जैसे कि ब्रेकिंग बाइट का। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आप बाइक जो है वो इजीली स्टॉप हो जाता है, इजीली आप बाइक को रोक सकते हैं। तो बाइक का मतलब जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो माइलेज है वो पहले से बाइक का है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अगर आप पहले के कंपैरिजन में अगर आप अभी देखते हैं तो माइलेज काफ़ी इंक्रीज हो चुका है और सस्पेंशन भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है, बट आपको सस्पेंशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से वापस शोरूम की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया है बाइक को लेके आए हुए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब हम ये जो था टेस्ट राइड से वापस आ चुके हैं, तो होप करता हूँ आपको टेस्ट राइड बहुत अच्छा लगा होगा देखने में। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम शोरूम पर आ चुके हैं प्रयाग बजाज। तो स्पेशल थैंक्स टू प्रयाग बजाज फॉर गिविंग दिस बाइक टू मी फॉर टेस्ट राइड। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका डिटेल वॉकराउंड वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख ले तो आपको फुल डिटेल बाइक के बारे में पता चल जाएगा। और होप करता हूँ आपको टेस्ट राइड अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।